सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर वन प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बार फिर शदीद हंगामा, राई के साए तले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल मंजूर कर लिया गया। एक बार फिर पूरी कौम ने देखा कि पार्लियामान के तकद्दस की बात करने वाले, पार्लियामान के मुहाफिज कहलाने वाले, पार्लियामान की इज्जत और तकरीम का दर्स देने वाले कैसे पार्लियामान की हैसियत को कम कर रहे थे। मुआशरे की फलाह और बहबूद की बातें करने वाले कैसे एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान होने की बाकायदा कोशिश कर रहे थे। अच्छा, पार्लियामान जिस पर कौम की नज़रें हैं, जिससे कौम को हम कह सकते हैं कि उम्मीद है कि कब इस पार्लियामान से कोई ऐसा पैगाम जाए जिसे वाकई आप कह सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल सेट हुई या फिर मिसाली कहा जाए, लेकिन ज़्यादातर अफसोस के साथ कहूँगी डिसअपॉइंटमेंट होती है, मायूसी का सामना करना पड़ता है। इसी पार्लियामान में हमने देखा कि कैसे इंसानी अलमिया पर लोग अपनी सियासत चमकाते हैं, कैसे अपनी कामयाबियाँ भी गिनवाते हैं, जहाँ नहीं गिनवानी पड़ती वहाँ पर भी क्रेडिट ले रहे होते हैं, कैसे अपने मुकदमात का बाकायदा दिफा करते दिखाई देते हैं। आज एक बार फिर पूरी कौम ने यही मंजरनामा देखा कि पार्लियामान एक अखाड़े का मंजर पेश कर रहा था। अब ये हंगामा आराई क्या मज़ीद बढ़ेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरी ऑप्शन फिर यही कि झाग की तरह बैठ जाएगी, क्योंकि ऑपोजिशन की जानिब से इस बिल की सख्त मजम्मत की गई और सख्त रद्द अमल देने का ऐलान भी किया गया। बिलावल साहब कहते हैं कि अब हमें सख्त फैसले भी करना होंगे ताकि जमहूरियत बहाल हो सके। जमहूरी तारीख पर बड़ा हमला हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि एपीसी में बैठकर हुकूमत के हवाले से अहम फैसले करेंगे। ऑपोजिशन इस बिल की इतनी शदीद मुखालफत क्यों की, ये बिल मंजूर होने से ऑपोजिशन के लिए क्या कोई मसाइल भी खड़े हो सकते हैं, ये वो तमाम सवाल आते हैं जो तमाम जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। इनकी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करूंगी। जिन मौजूद मेहमानों ने आज प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शौकत बसरा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बसरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दिफाई तजिया कर ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, अगेन आई वुड से कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका भी, वॉर्म वेलकम ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, गुफ्तगू आपसे शुरू करूँगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, मोहम्मद ज़ुबैर साहब बहुत से लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन का बुनियादी एतराज़ आखिर है क्या, ये था क्या? ठीक है, शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, आई होप कि सवाल तो उनको पसंद आया। बसरा साहब आपकी तरफ आती हूँ, फिर ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। रजा आप कोशिश कीजिए उनको दोबारा लाइन पे लें। बसरा साहब, हुकूमत ऑपोजिशन ये जो अब ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल है, ऑपोजिशन का जो बुनियादी एतराज़ है, आपको क्या समझ आता है कि बुनियादी एतराज़ क्या था? डॉक्टर फिजा, आप स्टार्ट में कहती हूँ मैं हूँ पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की फतह हुई है। ये मामला पाकिस्तान की कौमी सलामती का, नेशनल सिक्योरिटी का, हमारे मुस्तकबिल का, हमारी नस्लों का, हमारे बच्चों का इशू। जी जी, फैटफ है क्या? फैटफ ये है कि माजी के अंदर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। हम लोग जो जिन लोगों ने भी की है, माजी की हुकूमतों को ये चाहिए था कि अगर ये हम लोग एक ग्रे लिस्ट में आए हैं, उसका मतलब ये है कि ब्लैक लिस्ट में जाएंगे तो तमाम तरह के सेंक्शन का हमें सामना करना पड़ेगा। पहले इतना बड़ा स्ट्रेस है हमारी इकानमी के ऊपर, 32,000 अरब के कर्जों में डूबे हुए हैं। जब हम पूरी दुनिया से कट जाएंगे तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, आप अंदाज़ा कीजिए। इनका इतराज़ ये था, एक ही इतराज़ है इनका, मरना जीना इस बात से है कि फैटफ, जो मैं फिर कह रहा हूँ कि ना ये तहरीक इंसाफ का कोई इशू था, ना कोई इमरान खान साहब का इशू, ये पाकिस्तान का इशू था, ये सब का इशू था, चूँकि हमारा जीना मरना इस धरती माँ के साथ है। आज किसी की हुकूमत है, कल किसी की हुकूमत है, इनका मरना ये था, इनकी सोच ये थी कि टोटल 48 क्लासेस हैं नैब की, 34 क्लासेस हमारी मान लें, आप नैब को दफन कर दें, हमारे रेफरेंसेस ख़त्म कर दें, उसके बाद जो मर्जी चाहे करें, फैटो पे आप हमसे वोट ले लें। आप मुझे बताइए, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करनी है, इनका इश्यू है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करनी है, तो इतराज़ किस बात पे है? इतराज़ किस बात पे है? इतराज़ मुझे बताइए। और कितनी कोशिश की, बदतरीन दुश्मन ये जो मोदी, मैं इसको मोदी कहता हूँ, जो पाकिस्तान का अजली और अब्दुली दुश्मन है, जो पाकिस्तान पे सेंक्शन लगवाना चाहता है, वो CIA है, रा है, मुसाद है, ये समझ नहीं रहे कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हमारी सरहदों की मुहाफिज हैं, जो दिन रात दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रही हैं, हम लोग अगर अपना खुद नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अब इनको मुसीबत ये थी
किसी ना किसी तरीके से, चूंकि हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, सही क्लियर सी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ आज जहां से गवर्नमेंट थोड़ी सी मार भी खाती है, ब्लैकमेल भी होती है कहीं ना कहीं, अगर कह बिल्कुल होते, लेकिन हमने आपको याद है प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा हिस्टोरिकल जुमला कहा था जी कि हुकूमत बहुत छोटी सी चीज है, मेरी जान भी चली जाए मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा, जाए हुकूमत मैं कोई ये बारी लेने के लिए नहीं आया, मैं तो एक एजेंडा लेकर आया हूँ, एजेंडा सबसे बड़ा ये है कि हमने मुल्क के इदारों को ठीक करना है, हमने माफियाज को काबू में लेकर आना है, और इस कम अज कम मैं ये समझता हूँ कि इस बुरे तरीके से ये एक्सपोज हुए हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा इनका एजेंडा पाकिस्तान एजेंडा अगर होता तो आज इस तरह की ये मजमूम हरकत ना करते, लेकिन आप अंदाजा कीजिए इनकी अपनी सफों में डॉक्टर फिजा जी जी, वो इनको तो आज उन लोगों ने रद्द कर दिया, अपनी पार्टी के लोगों ने जो सेनेटर्स बैठे हैं, जो एमएनएस बैठे हैं, जिन्होंने बिल के हक में वोट दिया है, इन्होंने रद्द कर दिया, और आज अगर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चला देंगे, अभी इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इनके चेहरे देखें, क्या इनके हाथ में आया, अगर अल्लाह ना करे आज अगर फेडरल, इसका दूसरा एंगल हम देखते हैं, अभी ब्रिगेडियर साहब इसके ऊपर बेहतर तजिया कर सकेंगे, अगर आज फेडरल का बिल डॉक्टर साहब पास ना होता तो आप बताइए पाकिस्तान कहां ठहरता जाके। इसका मतलब तो यही है कि अगर आज बिल पास ना होता जो रिक्वायर इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट थी, उसके क्या फिर असरात होते, हम ब्लैक लिस्ट में जाते, हमारे हमें कहा जाता कि ये मुल्क वो है, पहले दिन कहते थे कि ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। हैरानी इस बात की, बसरा साहब ब्रिगेडियर साहब तभी जाती हूँ कि जब एक कौमी इशू हो जाए कोई और एफएटीएफ की अगर आप ब्लैक लिस्ट में खुदा ना खासा चले जाते, आप जब कौमी इशू है तो आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए आप एक स्टैंड ले रहे, पाकिस्तान के लिए एक बिल मंजूर करना है, पाकिस्तान के लिए आपने वोटिंग करनी है, तो एतराज तो बनता ही नहीं है ना, आप तो बस 5 सेकंड में सोचे समझे बगैर बस वोट दिया, मंजूर करें उसको। मैं कह रहा हूं इसके ऊपर तो किसी डिबेट की जरूरत नहीं, डिबेट की जरूरत नहीं है, बकायदा बकायदा बहस की जरूरत ही नहीं है, इसके बावजूद के हक में जा रही है, और अगर वो ना हो तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है वो भी आपको नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद ये तमाम कमेटियों के अंदर गया, वहां डिस्कशन हुई इनके, और आपको याद होगा वो मशहूर जमाना एनआरओ जब ये लेकर आए थे तमाम के तमाम तरमीम कि ये एक हाथ लो दूसरे हाथ वोट लो, हमने कहा नो नॉट एट ऑल, आज पूरी दुनिया ने देखा। ब्रिगेडियर साहब, हाँ ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, बसरा साहब की गुफ्तगु आपने सुनी, मैं मोहम्मद जुबैर साहब का भी मौकिफ लेना चाह रही थी लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई है, प्रोड्यूसर साहब जरा कोशिश करें दोबारा उनको लाइन पे लें। अच्छा गजनफर साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो है समेत जो एफएटीएफ की सिफारिश आते हैं इस पर पूरा उतरने के लिए हुकूमत जो कानून साजी कर रही है वो कितनी अहमियत की हामिल है, बहुत से लोग अभी तक इस अहमियत से वाकिफ नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने मखसूस अंदाज में उनको समझाइए, और अपोजिशन का एतराज़ आपको कितना दुरुस्त लगता है, बनता था एतराज़ करना? असल में अगर एफ ए टी एफ को आपने स्टडी करना है ना, तो वो सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के दौरे इकतदार में या इस टेन्योर में नहीं करना होगा, एफ ए टी एफ तो उससे पहले पाकिस्तान के ऊपर ग्रे लिस्ट में जब आया था तो वो तो उस ज़माने में तो अपना नून लीग की हुकूमत थी, खाकान अब्बासी साहब थे उस वक्त, ये चली बुनियादी तौर पर। एक जो बसरा साहब ने कहा मंडी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से, इससे आगे जाके मैं इसके साथ ये कहना चाहूँगा, बुनियादी तौर पर ये एफएटीएफ बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेट नहीं करता, ये एक टूल है बड़ी ताकतों के हाथ में, जहाँ पे इंडिया भी बैठा हुआ है जो एशिया पैसिफिक ग्रुप का मेंबर है, ये उनके हाथ में एक हथियार है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं और ब्लैकमेल करते रहे हैं, और भी ममालिक हैं जो ब्लैक लिस्ट में रहे। अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से एफएटीएफ की परफॉर्मेंस को देखना है तो सबसे पहले तो अमेरिका को खुद ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था ना, क्योंकि जो कुछ अमेरिका ने मनी लॉन्ड्रिंग इराक में की, जो दाइश को क्रिएट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो इराक में अबू गरीब जेल की जो अपना दीवारें हैं वो अमेरिकन फौजियों के जुल्म से अभी तक रो रही हैं, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करके जुल्म किए गए। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का बिल मेरिट पे बेस करता है तो इंडिया को सबसे पहले ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था, जो खुद कह चुका है कि हम अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुपों को पैसे देंगे और उनको पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाएंगे। लेकिन चूंकि एक बड़ी ताकतों के हाथ में एक टूल है और वो जिसको जिस तरह कहे चाहे मनूवर कर लेती हैं, इसलिए पाकिस्तान को वो उसके अंदर लेके आए ताकि अपनी डिमांड्स को मनवाया जा सके। पाकिस्तान ने जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने एक काम अच्छा किया असद उमर साहब के ज़माने में, कि उन्होंने एक बॉडी बनाई, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर आपकी तमाम मिनिस्ट्रीज भी, उसके आप अंदर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, यानी अपना अस्करी भी और सिविल एजेंसी, उनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव शामिल था जो एक ही छत के नीचे बैठ के
उन चीज़ों को देखा करते थे जो एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर आपके ऊपर पॉइंट आउट की जाती थी और ऑब्जर्वेशन आती थी, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को के ऊपर बहुत सारी सेंक्शंस लगाने की बात की जाती थी। उसमें हमने न सिर्फ इस स्टडी ग्रुप में पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर से भी लोग हायर किए, वो लोग जो इसी एशिया पैसिफिक ग्रुप या इसी एफएटीएफ की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे थे, उन्होंने सफारशात मुनक्की पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर वो इजलास अटेंड किए जो पेरिस में हुए भी, ऑस्ट्रेलिया में भी हुए, चाइना में भी हुए, और वहाँ पर हमारे ऊपर जो डिमांड्स थी वो इस ग्रुप की वजह के काम करने की वजह से रिड्यूस हो, जिसमें बहुत सारा शेयर जो था वो मेरे ब्रदर ला का भी था, जिस जो अभी अल्लाह को प्यारा हो गया उसकी डेथ हो गई, ही वाज दी वो था अपना फाइनेंशियल टास्क फोर्स एफएटीएफ के अंदर जो एफएमयू है फॉरेन मॉनिटरिंग यूनिट उसका वो डीजी था। उन्होंने दिन रात मेहनत की और इस मेहनत का नतीजा ये निकला कि आप देखिए कि साइड लाइन ऑफ मीटिंग्स में कभी रशियन पाकिस्तानी डेलीगेशन को नहीं मिलते थे, लेकिन पेरिस वो जगह पहली जगह थी जहाँ पे रशियन एफएटीएफ को जो रिप्रेजेंट करने आया था वो पाकिस्तानी डेलीगेशन को मिला और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि जी आप इस तरह करके काम करें। अब वहाँ पर वो रिकमेंडेशंस कम होते 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 बहुत थोड़ी रिकमेंडेशंस रह गई, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने जब अगली मीटिंग अटेंड करनी है तो वहाँ अमली तौर पर ये बताना है कि हमने कानून के तहत अपनी पार्लियामेंट के ज़रिए ये तमाम इकदामात ले लिए हैं जो आप इल्ज़ामात हम पे लगाते थे, हम उनको रोक रहे हैं। उसका एक अमली मुजाहरा हम पहले भी कर चुके हैं, हाफिज़ सईद साहब को छोड़ा गया था, उनको फिर सज़ा दे दी गई, ये भी एफएटीएफ से रिलेटेड। हालांकि मैं यहाँ पे क्लियरली कहना चाहूँगा कि हाफिज़ सईद का कोई मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से कोई जुर्म नहीं है। हाफिज़ सईद के अगर आपको कोई जुर्म है तो उसको इंडिया ने बार बार पॉइंट आउट करके, क्योंकि वो कश्मीर में काम करते थे, कश्मीर की आवाज़ उठाते थे, इसलिए इंडिया ने उसको इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम किया, हमने उनको भी सज़ा दे दी। चलें अब उसके साथ साथ ये जो मनी लॉन्ड्रिंग बिल की जो शकूक थी, जिसके अंदर हमने आज कहा कि जी मस्जिदों में इमाम मुकर्रर किए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएंगे, इमाम बारगाह रजिस्टर करनी होगी, ये तो हर दुनिया में हर जगह इमाम बारगाह भी रजिस्टर होती है, मस्जिद भी रजिस्टर होती है। आपको पता है दुनिया में अरब ममालिक जितने हैं वहाँ वो जो खतीब है वो खुद खुतबा दे सकते हैं, उनको एक खुतबे की कापी लिख के हवाले की जाती है उनके कि आज जुमे की नमाज में आपने ये खुतबा देना है, तो वो चैनलाइज करते हैं चीज़ को ताकि जो तफरका है या जो मजहबी तफरका है या आपके जो सेक्ट्स के दरमियान जो चीज़ें वो जनरेट ना हो, जो बाइस बनती हैं आपस में फसादात का। तो और ये चीज़ें तमाम आपने हर हाल में पास करनी थी और ये रिलेट करती थी एफएटीएफ। अब अपोजिशन की मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ लीडर अपना कायरा साहब की भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें वो ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट एफएटीएफ के बिल की आड़ में अपने मकासद हल करना चाहती है, अपना कंट्रोल, तो लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन सी शिकें हैं जो गवर्नमेंट शामिल करना चाहती है ताकि हम भी एजुकेट होते, यदि ये शिकें जो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती शामिल कर रही है और इसको नहीं करना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर अगर आप एफएटीएफ का बिल आज रिलेट करता है आपकी अगली मीटिंग से, रिलेट करता है एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो टास्क फोर्स है उसके ज़रिए रिलेट करता है, जहाँ आपने अपने इकदामात को पेश करना है, तो उस सिनेरियो में इस बिल का पास होना ज़रूरी था। हाँ, अगर कोई शिकें ऐसी हैं तो आए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पॉइंट आउट करें, पाकिस्तान के अवाम को इन्फॉर्म करें कि गवर्नमेंट ने यह ज्यादती की है, और उसके ऊपर फिर नेचुरली सिविल सोसाइटी का भी रिएक्शन आएगा, लोगों का भी रिएक्शन आएगा और पॉलिटिकल रिएक्शन भी आना चाहिए। अगर कमेंट मुझे तो अभी तक कोई चीज ऐसी किसी जगह से बड़ी पढ़ी लिखी बात है और सियासतदानों को करना ऐसे ही चाहिए, लेकिन मसला है कि जब उलझाना मकसद हो, कन्फ्यूज करना मकसद हो, बंदर से खुद भी पता हो कि हम गलत हैं और सामने वाला ठीक है, तो फिर सिर्फ उलझाया जाता है बातों में। क्यों बसरा साहब ऐसे तो नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट से बात करते ही नहीं है। देखें, अगर उनके पास हकायक होते तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली है, तमाम अपोजिशन के मेन पार्लियामानी लीडरान वहाँ पे मौजूद थे, क्या एक एतराज़ उनने बताया कि जिस पे हमारा एतराज़ था और हम ये कहते थे कि ये गलत है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ उस अभी जो ब्रिगेडियर साहब ने देखे, मैंने बात थोड़ा मुख्तसर की थी, जो वो इंटरनेशनल फोर्सेज जो पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाना चाहती हैं, जो पाकिस्तान के जाहिर है इंडिया जो इस वक्त हमारी टेरिटरी का अपने आप को बेताज बादशाह बनाना चाहता है और ये बदमाशी पे आया हुआ ये मोदी जो है, जो मैं कहता हूँ इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो कुछ उसने कश्मीर में जुल्म ढाए हुए हैं, जिस तरह अभी गेट साहब बता रहे हैं अफगानिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लेकिन चूंकि वो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, उनके अपने एजेंडाज हैं, तो हमें आज मैं समझता हूँ कि आज दिन था हमें सॉलिडरिटी दिखाने का, तमाम पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने का था, लेकिन उनको ये था कि हम किसी ना किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को
तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, बल्कि मैंने स्टार्ट में जो कहा पाकिस्तान की ये जीत थी, पाकिस्तान का मसला था, पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट हो इस वक्त तमाम के तमाम इनकी तवक्कुआत इनके मुफादात इंटरनेशनल फोर्सेस से हैं, जहां पे चूंकि इनकी जायदादें बाहर, इनके तमाम मुफादात बाहर, अब उनको उन्होंने ऑब्जर्व करना है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि इतना बड़ा इन्होंने आज पाकिस्तान की सलामती को दांव पर लगाया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दांव पर लगाया, और पाकिस्तान की इसके नेशनल सिक्योरिटी जब कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, मुझे बताइए फिर क्या मतलब ये पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, ये चाहे इन्वाइट करना चाहते हैं उन फोर्सेज को, वो जिस तरह चाहें पाकिस्तान को ब्लेम करें। सो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इसके ये जो मनी लॉन्ड्रिंग मैं एक दो लोगों को उनको सुन रहा था जो टॉक शो में बैठे हुए थे, देखें जी वो मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना वो हमारे, चूँकि भाई मैंने कहा अगर मैं दो तीन टॉक शोज में से आया हूँ, चले अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये बात मान लें, क्या मनी लॉन्ड्रिंग आपने करनी है, इसलिए आप इसकी मुखालफत करना चाहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग जो है क्या ये पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, क्या मुख्तलिफ मकास के लिए इस्तेमाल नहीं होती है? तो सो इनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं था, कोई इनके पास ठोस वजूहत नहीं थी, सिवाय इसके कि ये किसी ना किसी तरीके से इंटरनेशनली पाकिस्तान की सुबकी करवाएं और ये बताएं कि ये देखें ये हमारे हाथ में ताकत है, हमें आप सपोर्ट करें, हमें इक्तदार में लेकर, जिस तरह माजी के अंदर होता रहा, जिस तरह लोग मुआहदे करवाते रहे, अभी जो प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे, किस चीज़ का प्रेशर था? अच्छा, क्या आप इनको एनआरओ दें, आप इनको जाने अच्छा, दें? प्रेशर से मुझे याद आया कि बिलावल साहब भी कह रहे थे सख्त फैसले करना पड़ेंगे, वो सख्त फैसले क्या हो सकते हैं? हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी हो सकता है, पहले दिन से ख्वाहिशमंद है वो हुकूमत गिरा दी जाएगी बसरा साहब, तो अगर इस तरह के सख्त फैसले किए जाते हैं, इकदाम किए जाते हैं, आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे? मेरे ख्याल में आपने देख लिया कि आज 6 महीने पहले भी ये खशो खाशाक की तरह बहाने के लिए आए थे, मौला जट की बड़के थीं, और फिर ख्वाजा साहब फरमाने लगे हमारे तो वो करेले और कीमे नान वाले लोग हैं, कीमे वाले लोग हैं, और मौलाना साहब बेचारे ढूंढते रहे इनको वहाँ पर जाकर इस्लामाबाद की सड़कों पे, कहाँ थी वो पीपल्स पार्टी, कहाँ थी वो मुस्लिम लीग नून, और अभी भी आप देख लें हर एक का एजेंडा और है, ये तमाम के तमाम वो कहते ना भानुमती का कुनबा, ये सारे एक दूसरे को दाव लगाने पर हैं, किस तरह हमें कोई सेफ पैसेज मिले। आज मैं ये चैलेंज के साथ बात कहता हूँ, आप कहते हैं एपीसी, आप कहते हैं सख्त फैसले, आज मरियम नवाज साहब को बाहर जाने दें, इनके तमाम केसेस को या रोक दें या ख़त्म कर दें, सब आप देख लीजिएंगे चैन ही चैन रावी लिखेगा, कोई एपीसी नहीं होगी, कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, कोई बड़के नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग इस बात की है। तो मेरे ख्याल में आज इन्होंने ये जो फैटअप वाला, इनको आज पूरी पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उन्होंने तो इनका चेहरा पहचान लिया। मेरे ख्याल में पहले इनके लिए लोग नहीं निकलते थे, अल्टीमेटली इनके पास जो किंग लिए फिर रहे हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान, उनके पास मदरसों के बच्चे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से वो निकल आए, हम उन पर बैठ करें, हमें कोई ना कोई रिलीफ मिले, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान की फतह हुई है, जो पाकिस्तान बसरा साहब ने बड़े मजे की बात कही थी, उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब जो किंग है जिनको लिए फिरते हैं, अगर रिलाय इनका मौलाना फजल रहमान साहब पर है या उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं, तो क्या इनकी ख्वाहिशात कभी पूरी हो सकेंगी? मैं सिर्फ ये कहूँगा मौलाना फजल रहमान को किंग का तो नाम ना दे वो किधर से किंग हो गया, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन अच्छा ये बसरा साहब बड़े स्मार्ट है, तंजिया ही बोले बस वो हाँ। उनको चेयरमैन जब तक थे कश्मीर कमेटी के, जब तक ये डेली अलाउंस मिलता था, गाड़ी मिली थी वहाँ पे, बंगला मिला हुआ था, तो जमहूरियत भी चल रही थी और सारी चीज़ें ठीक भी थी, लेकिन जब से वो ख़त्म हुआ उनको हर चीज़ के अंदर कोई, वो इतने सारे लोग लेके इस्लामाबाद भी आ गए थे, फिर वापस भी चले गए थे, 400-400 रुपये बच्चों से, मस्जिद के बच्चों से चंदा भी लिया था, उसकी रसीदें भी इशू की थी। पहले तो चाहिए नैब को कि उस चंदे का हिसाब ले ना जो वो गैदरिंग के लिए उनसे लिया गया था, वो जो इतने बड़े इस्लामाबाद में, और दुख की बात यह है कि वो जो अपना स्लिप इशू हुई थी उसमें तहरीक ख़त्म नबूवत का जिक्र किया गया था, और सबसे बड़ी इससे बड़ी बात यह है कि वो जो एक बिल पास हुआ था जिसके ऊपर इतना पाकिस्तान में रिजर्वेशन हुई थी, अपना जाहिद हामिद साहब जब वो मिनिस्टर थे, और उसके बाद जो उस बिल की जो शुरुआत था उसकी जो आई थी उस वक्त ये गवर्नमेंट का हिस्सा थे, जिसके बाद लोगों ने सही तरीके से ख़त्म नबूवत के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद की थी कि रसूल अकरम पीस बी अपॉन हिम आखिरी नबी हैं उसके बाद, तो ये तमाम ये तो सारे एक थे ना, ये एक तमाशा है, पॉलिटिकल तमाशा है जो ये क्रिएट करते हैं कि जी
जमहूरी लाएँ, क्योंकि इनके इलेक्ट नहीं हुए, इज ही इलेक्टेड मेंबर, इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये तो उसके पार्लियामेंट के कामों में दखल ही नहीं दे सकते ना कोई उसके अंदर, ये तो अनइलेक्टेड मेंबर है, अनइलेक्टेड मेंबर क्या कहेगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे खेला जा रहा है। अगर जमहूरियत के नाम पे कुछ देखना है तो खुदा के वास्ते जाके कराची में देख लीजिए। कराची में जो पिछली बारिशें हुई हैं उसमें लोगों ने अपने घरों में जो गटर्स हैं ना उनका पानी पिया है, और हेपेटाइटिस सी पाकिस्तान में किस अरूज पे आपको पता है? यहाँ जहाँ 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है फिजा, लड़काना चले जाइए, और जो शहर है उनका जो कहते हैं कि जी सख्त फैसले करेंगे, तो पहले लड़काना का तो फैसला कर लें, पहले शहदादकोट का तो फैसला कर लें, खैरपुर का तो फैसला करें जहाँ का चीफ मिनिस्टर रहा है इतनी दफ़ा। और यहाँ पे क्या, मैंने तो अपना पेंट हाउस अपना के बारे में जो है पेंट हाउस पायरेट्स एक खबर लगी है संडे वो अखबार में लंदन में, उसमें नवाज शरीफ की तस्वीर है, हुसैन नवाज की तस्वीर है, उनके बेटे को ऊपर लिखा हुआ पेंट हाउस पायरेट्स, तो वो पाकिस्तान ने तो नहीं लगाई, पायरेट का क्या मतलब होता है? जी बसरा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ये जमहूरियत रही है। ब्रिगेड साहब मैं एक गुजारिश करूं, आज इनके जितने भी स्पोक्स पर्सन है ना आप देख लीजिए, वो डिफेंड करने के लिए नहीं आ रहे हैं ना, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में और भी टॉक शोज में गया हूँ, भाई डिफेंड किस बात को करें, क्योंकि वहाँ पर जो अपोजिशन का रोल इख्तियार किया है, जो इस अंदाज में लोगों का रिएक्शन है, और मैं समझ, देखें आप सोशल मीडिया पे जाएं, ज़रा देखें किस तरह पब्लिक रिएक्ट कर रही है, यानी कि अब पहले हम लोग जिस हालात से गुजर रहे हैं, जिस तरह हमारे माशी हालात हैं, जिस तरह इस वक्त सूरत हाल मुल्क की बनी हुई है, आप यहाँ पर खाना जंगी करवाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं ना किसी तरीके से ऐसा अनरेस्ट हो, इंटरनेशनली ये मैसेज आ जाए कि जी ये बिल्कुल फेल हो गए हैं, ये दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये मुल्क के अंदर देखें इकट्ठे नहीं हैं, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता। सो मेरा ख्याल कहता है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि पाकिस्तान हमेशा की रहने के लिए बना है, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का, गज़नफर साहब आपका भी और बसरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे कोरोना की करंट सिचुएशन की, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कोरोना की बात करूंगी, कोरोना के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की आप कह रहे हैं कि कामयाब हिकमत अमली, इसका एक बार फिर एतराफ़ किया गया। अमरीकी अखबार है जी द डिप्लोमैट, उसमें कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कोशिशों को बाकायदा सराहा गया, तारीफ़ की गई। इस अखबार के मुताबिक पाकिस्तान की कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मजबूत बना दिया है, और इमरान खान साहब की हिकमत अमली के बायस कारोबारी सरगर्मियाँ, ईद उल अज़हा और मुहर्रम के जुलूसों के दोबारा आगाज़ के बाद भी कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफा नहीं हुआ। अमरीकी अखबार मज़ीद लिखता है कि पाकिस्तान अब मामूलात ज़िंदगी की बहाली की जानेब वापस आ रहा है, पाकिस्तान ने हालात का रुख मोड़ दिया है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इस बड़े बहरान को संभालने में सबसे आगे रहा, वज़ीर आज़म इमरान खान और फ़ौज के माबैन ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के मखसूस हालात का हवाला देते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन की शदीद मुखालफत की और मुआशी तरक्की को बरकरार रखने के लिए टारगेटेड लॉकडाउन की हिमायत की है। इस अखबार के मुताबिक पीपल्स पार्टी का सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन नाकाम हो गया, नतायज हौसला अफजा साबित नहीं हुए, और फिर हुकूमत सिंध को स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करना पड़ा, जबकि इमरान खान साहब की पार्टी के जेर इंतज़ाम सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत असरात सामने आए हैं, और पंजाब जो सूबा है पंजाब इसकी उम्दा मिसाल है। पाकिस्तान की हुकूमत COVID-19 के मईशत पर होने वाले नुकसानदेह असरात को कम करने में कामयाब भी रही है, पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ हिकमत अमले की तारीफ दुनिया कर रही है, इस पर हमारे डॉक्टर्स क्या कहते हैं, और कोरोना वायरस पर मबू आखिर कब पाया जा सकेगा, क्या कोरोना वायरस सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन बनकर रह जाएगा, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब दुनिया तो तारीफ़ कर रही है, सराहा जा रहा है जगह जगह पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी कोरोना को लेकर कंट्रोल करने के लिए, अब आप क्या कहते हैं, अब हालात को आप कैसे देखते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि कोरोना जो है पाकिस्तान में, हम कह सकते हैं कि इतनी इम्यूनिटी है पाकिस्तानियों में कोरोना को लेकर कि कोरोना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना नहीं है, कोरोना अभी भी है, लेकिन पाकिस्तान में ये इतना खतरनाक नहीं साबित हुआ और आइंदा भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फिजा, अल्लाह का मैं समझता हूँ कि बड़ा करम है कि पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तानी आवाम पे, कि बहुत ही
थोड़े अरसे के लिए, मैं समझता हूँ ईद उल फितर के बाद थोड़ी से हमारे थोड़े अरसे के लिए बहुत प्रॉब्लम आई पाकिस्तान में, और अस्पताल में और डॉक्टरों पे बड़ा लोड हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो महीना डेढ़ महीने की प्रॉब्लम रही, अल्लाह का शुक्र है ग्रेजुअली वो ख़त्म होता गया और अभी भी है। लेकिन इसके इन सब बातों के बावजूद मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है दो चार दिन से, और ये बात हमने पहले भी कही है कि अगर हम इसी बात पर खुशियाँ मनाते रहे कि जी कोरोना तो पाकिस्तान से ख़त्म हो गया, जो कि ख़त्म नहीं हुआ है, कमी हुई है, हमें एहतियात करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये फिर जिस तरह से और मुल्कों में जो सेकेंड वेव्स आई है या एक दूसरी लहर भी आई है या उस नंबर ऑफ केसेस में इजाफा होना शुरू हो गया है सडनली, तो वो खुदा न खास्ता हमारे यहाँ होती है, और म्यूटेशन के बाद जो वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, बहुत ही ताकतवर वायरस हो जाए, तो हमारे लिए बहुत फिर प्रॉब्लम आ सकती है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि हमें ये भी मैसेज देना है आवाम को, हमारी वो आवाम जो कि शुरू दिन से कोरोना को बहुत सारे लोग जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मास्क ही नहीं लगाते थे, और अब लोगों ने क्या किया है कि अब लोग हाथ भी मिलाना शुरू कर दिया है, लोगों ने लोग गले भी मिल रहे हैं जैसे पहले मिलते थे, और सिर्फ ये हाँ, बहुत इजी हो गया जैसे कोरोना खत्म हो गया, बिल्कुल, बल्कि मेरे साथ मैं कहीं जाता हूँ तो लोग हाथ बढ़ा देते हैं, और जो कि उनको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं इस बात की कंप्लेन चला रहा हूँ, तो उसके बाद सॉरी करते हैं, पर आप हाथ पीछे कर लेते हैं, हाथ नहीं मिलाते, यानी आप पैगाम देते हैं अपने प्रैक्टिकली आप पैगाम देते हैं कि हाथ अभी भी नहीं मिलाना, कोरोना स्टिल देयर। जी हां बिल्कुल, मैंने कहा जी सॉरी मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं तो कोन ही मिला लेता हूं, आइए अगर हमने कुछ शेक हैंड करना है तो इससे आप शेक हैंड कर लिया करें ताकि हम सेफ साइड रहे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अभी हमें प्रिवेंट मेजर अडॉप्ट करना है ताकि ये बीमारी जिस तरह से हमारा दुनिया में नाम हो रहा है तो ये बरकरार रहे, ना कि फिर हमारा फिर कोई सिस्टम है कि केसेस, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मैं समझता हूँ कि शुरू में जाहिर है ये नई बीमारी थी, बहुत सारी बातें होती थी, और जो साइंटिफिक तरीक़ेकार था, जो साइंटिफिकली प्रूवन था और जो दूसरे ममालिक में था वही उसी के लिए, और WHO जो कहती थी उसी के लिए हम सब भी कहते थे कि इसी तरह से करना चाहिए, उसके एहतियात तदाबीर है, लेकिन अब चूंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो गए तो अब बहुत आसान हो गया है, दो तीन बातें करनी है, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, यानी कम से कम ये है कि 5 से 6 फीट का फासला आपस में रख लें, आप मास्क लगा के रखें और हाथ को बार बार धोएं। इससे बहुत इंपॉर्टेंट फिजा मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे बैठे हैं सामने और आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है उसका पीठ है, उसका चेहरा आपके सामने नहीं है, तो आप अपने मास्क को नीचे कर सकते हैं ताकि आप कार्बन डाइऑक्साइड मुस्तकिल ना लेते रहे, फिर आप जो है वो फ्रेश ऑक्सीजन भी ले लें। तो बहुत से लोगों को देखा है कि गाड़ी चला रहे हैं, अकेले गाड़ी चला रहे हैं और उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन ये कोई सेंस नहीं। आप अगर अकेले हैं गाड़ी में और इस तरह की बात करते हैं, आपने गाड़ी वाली बात की, बल्कि मुझे भी शुरू शुरू में बड़ा मसला होता था कि गाड़ी चलाते हुए मुझे साइनस का प्रॉब्लम है तो मैं ज्यादा गाड़ी का एसी नहीं चला सकती, मैं शीशा अक्सर नीचे कर लेती हूँ, जब शीशा नीचे करना है तो क्या हम तब मास्क उतार सकते हैं जो हवा से या फजा से भी हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस आपके अंदर आ सकता है, या तब भी हम मास्क लगाए रखें या हम शीशा खोल के मास्क उतार सकते हैं? ये बड़ा आम सवाल है। देखिए इसमें ये एयरबॉर्न डिजीज है नहीं, और इतनी जल्दी आप शीशा उतारते हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज जरूर ख्याल रखिएगा, जब आप किसी सिग्नल पर रुकते हैं तो आपके पास लोग कुछ मांगने के लिए आ जाते हैं, फिर कभी कोई गलती हो जाती है या कोई ऐसी बात मार सकते हैं, बिल्कुल खान सकते हैं उनके जर्रात, जी सूरत में आप देखें कि आपकी गाड़ी अगर रुकी है तो आप फौरी तौर पे मास्क को लगा लें, मास्क को लगाने से आप सेफ हो जाएंगे अगर आपका शीशा खुला हुआ है। मेरे साथ भी ये वाकया हुआ शुरू में, जब ये मैं गाड़ी चला रहा था, मास्क मैंने नीचे यहाँ कर लिया था, तो
गाड़ी कहीं पर रुकी है और वो साहब सार्जेंट साहब आए कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है। मैंने कहा भाई हाँ मेरी गलती है, वो खराब हो गया इसलिए मैंने नहीं लगाया। उससे पहले उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं मना करता हूँ कि हाथ ना मिलाए, कोरोना के सिलसिला है। तो वो फिर हट गए, लेकिन वो बिल्कुल करीब आके मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने मास्क को ऊपर कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसको आपको एहतियात करना है, क्योंकि खासकर मैं स्कूल के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुस्तकिल लगाना बड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है बच्चों के लिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत से बच्चे इसमें जो है ना उनको दम घुटेगा अगर 24 घंटे लगा के रखें। तो मैं समझता हूँ कि जब क्लास में लोग बैठे हुए हैं तो इसको नाक से थोड़ा नीचे करें, जब आप सामने बैठे हो कोई आपके बिल्कुल उसका फेस आपके सामने नहीं है तो फिर आप थोड़ा मास्क है। जब कोई सामने डॉक्टर, एक और अहम बात कि बच्चों की जो नफसियात होती है, खासतौर पर छोटे बच्चे हैं, बच्चों की नफसियात जिस तरह की होती है कि बड़े तो समझ जाते हैं और बड़े बड़े अलर्ट रहते हैं, उनके दिमाग में रहते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से बच्चों की मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन बच्चों को फिर भी समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चों को आप बाकायदा समझा के भेजें, मदर्स भी कितनी बार समझाएं, फादर्स भी कितनी बार कि आपने मास्क पहन के रखना है, शेक हैंड नहीं करना, आपने किसी से हाथ नहीं मिलाना, आपने बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, हाथ धोने हैं, किसी चीज़ को हाथ लगाने के बाद नाक मुँह या आँख को हाथ नहीं लगाना, बच्चों की ट्रेनिंग किस तरह की जाए? देखिए बच्चों को मेरे ख्याल में जो बड़े हैं घर के पेरेंट्स हैं वो अपने घर पे ये मास्क लगा के रखें और बच्चों को बताएं और उनको ट्रेन करें कि मास्क इस तरह लगाते हैं और थोड़ी देर में जब आपके सामने कोई नहीं हो तो मास्क को थोड़ा सा नीचे कर लें नाक के नीचे ताकि आप अच्छे सांस लें, जब कोई आ रहा है तो उसको नाक के ऊपर कर लें। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये जो छोटे बच्चे हैं खासकर अभी जो स्कूल प्राइमरी स्कूल खुलेगा ये तमाम बातें आप कर नहीं पाएंगे। इसमें तो मैं फिर कहूंगा कि कुदरत हमें सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा होगा। और बच्चों में बहुत कम देखा गया है कि कोरोना ने अटैक किया है, बहुत कम केसेस है, लिहाजा ये हमें एक एडवांटेज है और ये बहुत हमारे लिए एक चैलेंज होगा टीचरों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊँ, मेरी मुझे कोई शिकायत मिली इस तरह से कि अभी जो स्कूल और कॉलेजेस नवी और दसवीं क्लास के, तो मेरे एक जानने वाले उन्होंने मुझे खास कर ये बात कही थी कि जी टीचरों ने बड़ी सख्ती से ये बात कही, किसी ने मास्क नहीं हटा दिया या कुछ कर दिया, उसका दम घुट रहा था तो उसने हल्का सा नीचे कर लिया। तो मैं तमाम टीचरों को कहना चाहता हूँ कि किसी बच्चे के साथ सख्ती ना करें, खुदारा उनको उनकी नफसियात से ना खेलें, उनको समझाएं और उनको ज़बरदस्ती ना करें। अगर वो किसी के पीछे बैठे हुए हैं तो मास्क को नीचे कर सकते हैं ताकि वो फ्रेश एयर लें, क्योंकि जब वो मास्क लगा के रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं और फिर थोड़ा सा ऑक्सीजन और फिर मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर दोबारा इनहेल कर लेते हैं। इस तरह से बाद में आज डॉक्टर मेरे पास वक्त का मुझे सर आखिर में जरा ये बता दीजिएगा कि बहुत से लोगों को फ्लू हो रहा है, जुकाम हो रहा है, किसी का गला खराब हो रहा है, खांसी हो रही है, तो बहुत से लोग दोबारा परेशान है कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है। अभी जो आम फ्लू है वो एलर्जी से भी हो सकता है, आपको वैसे इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसमें और कोरोना वाले फ्लू में जरा फर्क बता दीजिएगा। बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ बहुत ज्यादा परेशान है, बल्कि इसका जवाब मुझे ठीक है रजा कह रहे हैं ब्रेक पे चले, ब्रेक के बाद हम इसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक नासरीन, डॉक्टर कैसर सजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक सवाल मैं छोड़ के गई थी डॉक्टर साहब आपके लिए, जरा दोहरा देती हूँ जिन लोगों ने अभी लगाया बोल न्यूज़ के, जी बहुत से लोगों को फ्लू की शिकायत है कि जुकाम हो रहा है, किसी का गला ख़राब है, किसी को खांसी है, तो बहुत से लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है। अभी जो जुकाम हो रहा है लोगों को या गला ख़राब हो रहा है उसमें और कोरोना में ज़रा डिफ्रेंशिएट करके ज़रा बता दें ताकि आवाम जो देख रही है वो तमाम लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी थोड़ी कम हो। बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली मुझे भी छींकें आ रही हैं। तो बहुत सारे लोग हैं उनको मालूम है, जैसे एलर्जी के केसेस हैं, एलर्जिक राइनाइटिस है, नाक की एलर्जी है, गले की खराश है, बहुत से लोगों को पता है कि मुझे होता रहता है। हाँ। तो वो उनको जब होगा तो वो रूटीन में होता रहेगा, उनको कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी तरह से सीजनल होता है कि मौसम जब चेंज होता है तो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर चेंजेस आ जाए, मिसाल के तौर पर उनको जिस्म में दर्द हो रहा है, उनको बुखार हो रहा है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खांसी शुरू हो गई है और खांसी रुक नहीं रही है, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो या फिर सांस लेने में परेशानी हो रही है, ठीक है। हाँ। लेकिन ये चीज पहले नंबर पे रखें कि हर नजला जुकाम खांसी जो है वो कोरोना नहीं होता है। तो हमें वैसे भी
अगर आपने सपोज परेशान हो के आज आपको नजला जुकाम हुआ, कल हुआ और आपने जाके परसों कोरोना का टेस्ट करा लिया घबरा के, तो वो नेगेटिव आए, तो ये ना समझे कम से कम 4-5 दिन आप देखें कि आपको तो टीम में ये केस होता ही है, तो वो 2-4 दिन जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं एंटी लगती या कोई दर्द की ले लिया आप ठीक हो जाते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रेस्ट करेंगे, जब आप रेस्ट करेंगे पानी ज्यादा पियेंगे, अपनी कुव्वत मुताबिक बढ़ाएंगे, जितने भी नजला जुकाम का वो भी यही ट्रीटमेंट है, उससे आप ठीक हो जाते हैं। आजकल का जो मौसम है पूरे पाकिस्तान में ये है, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी गाइडेंस के लिए, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सजाद साहब मेरे साथ मौजूद थे। कराची की बात मैं करूंगी जी, कराची वो शहर जहां के कचरे पर भी आपको पता है कि सियासत की जाती है और दहाइयों से तवज्जो का मुंतजर है, ये आज की कल की बात नहीं है, दहाइयों से। और इस शहर के बुनियादी मसाइल हल करना किसी ने भी गवारा नहीं किया, जो बुनियादी मसाइल है वो तक हल नहीं किए गए। इस शहर से वोट तो लिए गए लेकिन इस शहर को बदले में अफसोस के साथ कहूँगी कि कुछ दिया नहीं गया। कई सियासी जमातों ने कराची की हालत बदलने के दावे किए, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, लेकिन कोई एक दावा भी, कोई एक वादा भी कारगर साबित नहीं हो सका, पूरा नहीं हो सका, वफा ना हो सका। अब इस शहर का एक हल्का है, एक इलाका है जिसे नॉर्थ कराची कहा जाता है। नॉर्थ कराची वाले तो बल्कि अब देख रहे होंगे कि शुक्र है आवाज़ उठाई जा रही है। नॉर्थ कराची के जो इलाका है सेक्टर 3 में, इस वक्त ना सिर्फ पानी और सीवरेज के नाकिस निज़ाम का मसला है बल्कि इस इलाके में ऐसी फैक्ट्रियां भी मौजूद है जिनका केमिकल इस इलाके की गलियों में भी फैला हुआ है। अब सोचिए ज़रा, केमिकल ज़्यादा पानी की वजह से वहाँ रहने वाले किन किन अमराज में मुब्तला हो रहे होंगे, जिल्द के अमराज में मुब्तला हो रहे होंगे। अब इसी केमिकल ज़्यादा पानी ने सेक्टर 3 का सीवरेज निज़ाम भी बुरी तरह तबाह कर दिया है और इस इलाके का भी वही हाल है जो बिलावल साहब ने बताया था कि जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ये पानी आता तो है लेकिन जाने का नाम नहीं लेता। कराची के इस इलाके के अवाम सालों से किसी मुआवजे के मुंतजर है, कोई मुआवजा ही हो सकता है। पीपल्स पार्टी और MQM जो आए रोज़ कराची पर लड़ते दिखाई देते हैं, उनमें से किसी एक जमात ने भी इस इलाके के अवाम के मसाइल जानने की कोशिश तक ना की। हाँ वोट लेने ज़रूर आते हैं, वोट लेने तो आते रहेंगे, हक समझ के आते रहेंगे कि हक है इनका भाई, यहाँ के अवाम के मसाइल क्या ये कोई जानना नहीं चाहता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कराची के सेक्टर 3 में। जब भी इस इलाके में बारिश होती है ये इलाका तालाब का मंजर पेश करता है। सिर्फ यही एक मसला नहीं है बल्कि यहाँ सीवरेज का निज़ाम भी ठप हो चुका है, जिसकी बुनियादी वजह 6 ऐसी कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ जिनसे केमिकल रिलीज़ किया जाता है और ये केमिकल वबाई अमराज का सबब बनता है बल्कि ये रोडों पर पानी की शक्ल में दिखाई देता है। ये मामलात क्या हैं ये जानेंगे यहाँ के आवाम से। हमारा इलाका पिछले 4-5 साल से, खाली ये नहीं है अभी का मंजर आप देख रहे हैं, ये 4-5 साल से हमारा सीवरेज का मसला है। ये नाजायज़ फैक्ट्रियाँ हैं, हम हर जगह दरख्वास्तें दे चुके हैं, SBCA, कमिश्नर, DC साहब, वज़ीर माहौलियात, हर घर किसी को हमने दरख्वास्तें दी हैं, इतने परेशान थे हम लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हर घर में पानी चला जाता है, कमर कमर पानी घरों में गलियों में, अच्छा केमिकल का पानी आता है, उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे ये पैर देखें आप, दोनों पैर मेरे ख़राब हो चुके हैं। ये इलाका पूरा गढ़े का मंजर पेश करता है, रोड ऊपर है, पानी का कोई निकासी का कोई सिलसिला है ही नहीं यहाँ पे। अगर रोड ऊपर है तो ये पानी कहाँ से निकलेगा, कोई सिलसिला ही नहीं है इस तरीके से, ठीक है। अब ये गढ़ा और तालाब बन जाता है, घरों में पानी चला जाता है, सीवरेज का पानी इसमें मिल करके आ रहा है, बीमारियाँ बेताशा हो रही, गंदगी, ना सफाई है ना सुथराई है, ऐसा लगता है कोई पुरसान हाल नहीं है इस इलाके का। जायज़ जैसे कहते हैं बुनियादी हुकूक, ना हम पानी साफ पीने का हमें मिल रहा है, ना हमें क्या कहते हैं लाइनों में, हमारे गटर लाइनों घरों के आगे इतना इतना पानी खड़ा है और हमारे बच्चे जो है ना तो स्कूल जा सकते हैं, ना कहीं किसी एक्टिविटीज़ में, ना हमारी खवातीन बाहर घर से बाहर निकल सकती हैं। खुश रहो मेरा बेटा कि कोई हमें पूछने आया, हम तो बहुत ज़्यादा पुरसान हाल हैं, हमारा तो जीना खाना पीना हराम हुआ हुआ है, इस कदर गंदगी है, सारे बच्चों को एलर्जी हुई है, दवाई दिला दिला के थक गए, यहाँ से निकलना चलना फिरना हम लोगों का मुहाल हो जाएगा। हमारे तो पूरे घर में पानी भर जाता है जब बारिश आती है, बारिश की आती है वो हम जो डैम का पानी वहाँ से छोड़ते हैं, क्या करते हैं, मेरी बेटी का पूरा जहेज खराब हो गया, यहाँ सारे रो रहे, खून के आंसू हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बस इतने हम तंग है इसका कोई हिसाब नहीं। हम कहाँ जाए, किसको कहें, रोज सब इदारों को कह के थक गए, दरखास्तें दी हैं, सब कुछ कर रहे हैं मगर कोई हमारे सुनने वाले नहीं है कोई, कि किधर जाएंगे हम, क्या करेंगे, मर जाएं क्या, इधर क्या करें, कीड़े मकोड़े के जिंदगी बसर कर रहे हैं हम लोग। देखा आपने नाज़रीन, ये वो मसाइल हैं जिनका हल अब तक निकाला नहीं जा सका। इसी इलाके की नुमाइंदगी करने वाले एक मेहमान मेरे साथ मौजूद है, वसीम कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब वक्त देने के लिए।
कुरैशी साहब, रिहायशी इलाके में समझ मुझे नहीं आ रही कि केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियां, आखिर ये फैक्ट्री बनाने की इजाज़त किसने दी? और फिर इनके केमिकल ज़्यादा पानी से जो आवाम का नुकसान हो रहा है उसका अजाला अब तक नहीं किया जा सके। यानी ये गलती ये हो गई कि इजाज़त दे दी कि फैक्ट्री बना ले केमिकल बनाने वाली यहाँ पर रिहायशी इलाके में, उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसका अजाला को कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम, पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे हलके के जो आवाम इंतहाई अजियत का शिकार हैं उनके मसाइल पे आवाज़ उठाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपके चैनल के तवस्सुल से ये अरबाब इख्तियार जो आंखें बंद करके बैठे हैं इनको कुछ गैरत आ जाए। ये मसला आज का नहीं है, ना ये बारिशों का मसला है। बारिश इस अजियत को मल्टीपल कर देती है। ये सेक्टर 3 इंतहाई अजियत का शिकार है और सेवरेज का मसला इनके 12 महीने का है। और प्लस इसको ये जो पीछे डाइंग गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, ये फैक्ट्रियों से जो मिलियंस ऑफ गैलन पानी केमिकल का जब सेवरेज की लाइनों में आता है तो ये इनकी अजियत को बढ़ा देता है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हम इस पर खामोश बैठे रहे या इस पर हमने आवाज़ नहीं उठाई। गुज़िश्ता 4 साल से कोई महकमा ये हमसे नहीं कह सकता, हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, रिसीविंग मौजूद हैं जिसमें KBC है, वाटर बोर्ड है, महकमे माहौलियात है, इसमें डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर कराची हैं, मोतीसे भी आला हैं, हर सुई सीजरन गैस है। हमने हर महकमे को अप्रोच किया, लाके उनको यहाँ विजिट भी कराया, लेकिन होता ये कि ये फैक्ट्री के जो लोग हैं चंद लोग हैं, लेकिन ये शायद ये उन 2% में से हैं जो पैसे की बुनियाद पर शायद इनको ख़रीद लेते हैं। उनको इस बात से गर्ज नहीं कि इस इलाके के लोग बर्बाद हो गए, अज़ियत का शिकार है। अब आपको मैं बताऊं कि इस इलाके में एक स्कूल है, वोट की भी कोई अहमियत होती है ना? वोट की भी कोई अहमियत होती है। MKM दहाइयों से कराची पर सियासत करी, हुकूमत करी, यानी सियासत हुकूमत दोनों करती चली आ रही है। अगर आप लोग अपने इलाके के सीवरेज और पानी के बुनियादी मसाइल भी हल नहीं कर सकते तो सर फिर वोट किस बात का लेते हैं? और फिर अगर आप बेबस हैं बाकियों के सामने तो फिर वोट की अहमियत तो खत्म हो गई। नहीं देखें, वोट की अहमियत बिल्कुल है और वोट की अहमियत की बुनियाद पे जो है ना हम भी मुंतखब हुए। मेरे इलाके की स्क्रीन पे जो वोट की अहमियत है, आप लोगों ने वोट लेके इलाके से गायब हो गया। मैं आपने आपसे अर्ज किया ना कि अगर हमने इलाके से वोट लिए हैं, ये हम यहाँ पे सिर्फ वोट की बुनियाद पे काम नहीं करते, ये हमारे अपने लोग हैं। जिस तरह मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता हूँ, मैं अपने इलाके के लोगों की ज़िंदगी में सुकून चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम वोट लेके बिल्कुल लातालुक हो गए। अगर हम मुसलसल इदारों से रबता कर रहे हैं, इलाके के लोगों के साथ खड़े हुए, बारिशों में पूरी पूरी रात खड़े हुए इनके साथ खड़े हुए, तो इसका मकसद ये कि हमें अपने लोगों से मोहब्बत है। हमें शिकवा उन इदारों से है जो ये काम करना उनको काम करना चाहिए। इस वक्त ये सूरत हाल है कि बारिश जो तूफानी बारिश हुई है इसको गुजरे में तकरीबन 20-25 दिन हो गए। अच्छा वसीम साहब, चले आदमी एक ठीक है, आपकी बात पे हम यकीन करते हैं कि आपको हमदर्दी है अपने इलाके के लोगों से और आप वोट की अहमियत को भी समझते हैं। अब ये बता दें कि मामला कब और कैसे हल किया जाएगा, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि हल हो जाए, बस इतना जवाब दे दें, कोई डेट बता दें या बता दें कि कितने अरसे में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मामला हल हो जाए। मैं सीधी बात करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में मेरे इलाके समेत कराची का कोई एक मसला हल नहीं होगा। इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कराची को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, तासुब और नफरत की बुनियाद पे। मैं पाकिस्तान आर्मी से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते मोहतरम इनके आज इनके आसरे में मत रहे। पीपल्स पार्टी के होते हुए अगर आप कह रहे हैं कि ये सब होता रहेगा, कुछ ठीक नहीं हो सकता, आप इतने नाउमीद हो चुके हैं, आपकी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, तो फिर आप लोग रिजाइन कर दे। फिर आप लोग क्या वहां नाउमीदी के लिए बैठे हुए हैं, मायूसी के लिए बैठे हुए? आप उनके रवैये पे मायूस होते रहेंगे? रिजाइन करने देखिए, ये एक बड़ा ये आपके हर चैनल का बात ना, रिजाइन नहीं करना होते कि रिजाइन कर दे। रिजाइन क्यों करें, हम अपने आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा आसान सवाल क्यों है? आपका जवाब इतना आसान था ना कि मैंने फिर आपको कहा कि मैं भी जरा फिर आपसे पूछूं ना। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को आपने जिम्मेदार ठहरा दिया ना, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप किस चीज के लिए आए हैं? देखें, पहले ये लोग तमाम मीडिया ये बोलता था या दीगर सियासी जमातें ये बोलती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM की अलाई थी तो इसलिए कराची में काम नहीं हुए। आज 12 साल से पीपल्स पार्टी तने तना पूरे सिंध की मालिक है, उसके साथ कोई अलाई नहीं है। अगर वो कराची में काम नहीं कर रही तो साफ वजह समझ में आ रही है कि वो कराची को बर्बाद करके ना सिर्फ कराची के अवाम से बल्कि पाकिस्तान की सालमियत इस्तेकाम और उसकी तरक्की से खेल रही है। ये बड़ी क्लियर बात है। अख्तर साहब, उनकी बेबसी लाचारी का रोना सुनते रहते थे लोग टीवी पर, आप लोगों को भी तो मैंडेट दिया ना, आप लोगों पर भी तो एतमाद किया ना लोगों ने। आप ये नियत कराची का ही मुकदमा था, उनका रोना पीटना था कि आज विफाक ने इस तकलीफ को रियलाइज किया
कि मेयर कराची जो रोड पीट रहे थे वो वाकई सही रोड पीट रहे थे कि पीपल्स चलें जी इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत मेरे क्या से नाजिर मुझे कुछ कहने की जरूरत है सारा मामला आपके सामने बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।